नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है उत्तराखंड के खास बुलेटिन का। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही इस खबर के साथ कि जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, नवयोग सेवा समिति, CCRYN, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार व उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की संयुक्त देखरेख में सूर्य नमस्कार देवभूमि परंपरा का अद्भुत उपहार विषय पर आयोजित वेबिनार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सूर्य नमस्कार भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति का शरीर निरोगी रहता है और घर में सुख शांति का वास बना रहता है। हम सूर्य नमस्कार के माध्यम से सूर्य उपासना कर निरोगी रह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्य नमस्कार के अभ्यास से विभिन्न आसनों से मन और आत्मा सबल होते हैं। योग करने का मकसद आत्मज्ञान की प्राप्ति व सभी प्रकार की शारीरिक परेशानियों को दूर करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लेते हैं। उनका सबसे पसंदीदा आसन सूर्य नमस्कार ही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सूर्य नमस्कार के फायदे बताने के लिए प्रधानमंत्री ने एनिमेटेड योग की सीरीज भी शुरू की है, जिसमें वे सूर्य नमस्कार करते हुए दिखाई देते हैं। तो सीएम धामी ने वेबिनार में शिरकत की थी, जिसके बाद उन्होंने सूर्य नमस्कार किया और इसके साथ ही सूर्य नमस्कार के फायदे भी गिनाए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी भी सूर्य नमस्कार करते हैं और वो भी इसको करने की सलाह देते हैं। तो सीएम धामी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वेबिनार कार्यक्रम में शिरकत की थी। शिरकत के बाद उन्होंने सूर्य नमस्कार भी किया इस कार्यक्रम के दौरान, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से सूर्य नमस्कार करने से हमारा शरीर चुस्त और दुरुस्त रह सकता है। वही महिला बाल विकास विभाग में एक आउटसोर्स कंपनी को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर सवाल उठाया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनकी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल को 25,000 के रिश्वत पर गार्ड की नौकरी दी गई है। पार्टी की मांग है कि महिला बाल विकास विभाग को रिश्वत लेने वाली कंपनी को तत्काल रूप से ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए। साथ ही नैतिकता के आधार पर महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य को भी इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरह से बिना जांच पड़ताल के कंपनी ने कर्नल अजय कोठियाल को नौकरी दी है, ऐसे में उत्तराखंड के युवाओं के साथ विश्वासघात किया गया है। वहीं एक दूसरे मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी सवाल उठाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास से 7 सितंबर को 7 नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। नियुक्ति पत्र में नियुक्ति पाने वालों के नाम पता का जिक्र किया गया है, लेकिन 7वें नियुक्ति पत्र में पीयूष अग्रवाल लिखा हुआ है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आखिर पीयूष अग्रवाल कौन है, सरकार का इसका खुलासा करना चाहिए। उन्होंने पीयूष अग्रवाल को लेकर सवाल उठाया है कि आखिर उनके नाम पता को छिपाया क्यों गया है। पीयूष अग्रवाल को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया है, ऐसा उनका कहना है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री फेस हैं कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड से, और उनको बताया जा रहा है कि नियुक्ति दी गई है गार्ड के रूप में, 25,000 रुपए रिश्वत की भी बात निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन प्रशाली का कहना है कि ये किस तरीके से हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। और सीधे सीधे उन्होंने बाल विकास मंत्रालय की मंत्री रेखा आर्या को भी कटघरे में खड़ा किया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं नवीन प्रशाली नजर आ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने आज सीधे तौर पर बाल विकास मंत्री रेखा आर्या को घेरा है और कहा है कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनकी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल को 25,000 की रिश्वत पर गार्ड की नौकरी दे दी गई, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि महिला बाल विकास विभाग को रिश्वत लेने वाली कंपनी को तत्काल रूप से ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए। इसी के साथ हमारे साथ नवीन प्रशाली साहब जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नवीन जी, ये कैसा चक्र है कि जहां युवा सड़क पर घूम रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं, वहां आप ही की पार्टी के सीएम फेस को बिना कुछ किए ही नौकरी मिल गई?
देखिए बहुत सारे लोग उत्तराखंड से, काफी सारे युवा कर्नल कोठियाल से मिल रहे थे जो पीड़ित थे, क्योंकि इसी तरह से जो आउटसोर्सिंग कंपनियां उत्तराखंड में युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो सारे लोग हमारे संपर्क में आए, कर्नल कोठियाल जी के संपर्क में आए। तो ये बेहतर तरीके से समझने के लिए और जनता तक इस बात को ले जाने के उद्देश्य से कर्नल साहब ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद अप्लाई करूं और देखूं हो क्या रहा है, क्योंकि जब तक आप देखते हैं तो उतना पता नहीं चलता जितना दूसरा समझा रहा है। तो इसी के तहत कर्नल साहब ने किया और आवेदन करने के बाद उनसे कहा जाता है कि आपके इस जॉब के बदले आपको 25,000 रुपया देना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा कहाँ देना पड़ेगा, तो उनको एनजीओ का खाता नंबर दिया गया, एनजीओ का पता बताया गया। तो जैसे ही उन्होंने 6 अगस्त को ये पैसा 25,000 रुपया अकाउंट में डाला, जो एनजीओ जो कंपनी ए स्क्वायर और जो एनजीओ है उसके दोनों के मालिक और प्रेजिडेंट दोनों एक ही थे, तो उन्होंने इस हाथ से पैसा लिया। तो आप देख सकते हैं कि कितने स्मार्ट तरीके से ये चोरी कर रहे हैं, यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पैसा कौन ले रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, आपने एक तरीके का ऑपरेशन किया है और इसके तहत आपने खुलासा किया आपकी पार्टी ने। नवीन जी, ये बताइएगा कि आप सीधे तौर पर जब जानते हैं कि किस पार्टी ने आपसे पैसा लिया है, किसने आपसे रिश्वत लिया, तो उनके खिलाफ आपने रिपोर्ट दर्ज कराई कि नहीं? देखिए, हम तो कल जो हमने पूरे सरकार के सामने पूरी बात रखी, मीडिया के समक्ष सारी बातें रखी। अभी सरकार का काम है कि सारे सबूत देने के बाद सरकार उस पर कार्रवाई करे। एक इंडिविजुअल जो सरकारी सरकारी संरक्षण में होगा, आपको समझना होगा कि सारी जो गतिविधियां हो रही हैं ये सरकारी संरक्षण में हो रहा है। हमने मुक्त विश्वविद्यालय का मामला उठाया, पूरे सरकार के संरक्षण में हो रहा है। आज ये जो बाल विकास विभाग है इसमें जो है ये हमने उठाया, ये भी सरकारी संरक्षण में होना। एक और मुद्दा है आज प्रकाश में आया, आपने देखा होगा कि कल मुख्यमंत्री कार्यालय से 7 लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज होता है, जिसमें 6 लोगों का तो एक लेटर में दिया जाता है जिसमें उनके नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका एड्रेस दिया जाता है, और वही दूसरी ओर आप देखते हैं एक अलग से अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है जिसमें केवल जिसकी नियुक्ति हुई उसी का नाम दिया जाता है और वो नाम होता है पीयूष अग्रवाल का। तो हमने सरकार से पूछा कि क्या ये पीयूष अग्रवाल वही है जिनको पिछले 1-2 साल पहले जल संस्थान से नौकरी मिली थी, और जो हमारे प्रेमचंद जी हैं विधानसभा स्पीकर अध्यक्ष उनके बेटे थे। तो ये सरकार अभी तक जवाब नहीं दे पाई है, तो उसके लिए भी हमने पूछा है कि ये पीयूष अग्रवाल कौन है, सरकार इसकी सफाई दे। ठीक है, मतलब आप वही स्ट्रेटजी अपना रहे हैं जो आपने दिल्ली में अपनाई थी कि जो करप्शन कर रहे हैं लोग उनको आप एक्सपोज करेंगे। ठीक है नवीन जी, ये बताइएगा कि जिस तरीके से अब ये पूरा मामला निकलकर सामने आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीति करने से भी आप पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि आप सीधे महिला बाल विकास मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर आप जी जी देखिए, इसमें इस्तीफा मांगने का हमारे पीछे उद्देश्य यह है कि क्योंकि सारी चीजें जो होती है ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार अपने विभागों की मॉनिटरिंग करे, किस प्रकार की कंपनियों को आउटसोर्स वो कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, कंप्लेंट बहुत बार जा चुकी है, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा कहते आए कि ऐसा हो रहा है, हम आवाज उठा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, उसके बाद भी सरकार सोई हुई है। और ऐसी सोई हुई सरकार या ऐसे जंगल राज में अगर आप इस्तीफा नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? इन मंत्रियों को रहने का अधिकार नहीं है, धन सिंह राउत को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, रेखा आर्य को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। ये लोग जो है जिस प्रकार से सरकारी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के जरिए यहाँ पर खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका उजागर करना पड़ेगा, पर्दाफाश करना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी की जो भ्रष्टाचार। ठीक है नवीन जी आपने बाल विकास मंत्री का इस्तीफा मांगा है, क्या आपने उसकी गिरफ्तारी की मांग की है कि जिसको आपने रुपए दिए, जिसको आपने रिश्वत दी? क्योंकि नवीन जी, एक और दूसरा एंगल भी निकलकर सामने आता है कि रिश्वत लेना जितना बड़ा गुनाह है उतना बड़ा गुनाह देना भी है। तो अगर आपने कोई ऑपरेशन किया भी है तो उसके बाद गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, क्या कुछ है इस पर, आपने कोई अपडेट लेने की कोशिश की या फिर सीधे राजनीति चमकाने लग गए आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे कल कर्नल साहब सचिवालय गए, सचिवालय में इस बात की अधिकारियों से बकायदा रिपोर्ट की गई कि ऐसा ऐसा हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट अधिकारियों को वहां पर दिखाए गए हैं और इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, ये हमने कहा है। अब ये जांच तो हम नहीं कर सकते ना किसी के खिलाफ की जांच, हम तो साक्ष्य दे रहे हैं कि जो पब्लिक डोमेन में साक्ष्य हैं या जो हमारे पास साक्ष्य हैं उनको दे रहे हैं, और उसके हिसाब से आप जांच कीजिए। अगर हम दोषी हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, अगर वो दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, और नहीं तो मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री धामी जी को ये देखना चाहिए। अगर उनकी सरकार में जीरो टॉलरेंस की अगर वो बात करते हैं और लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये तो उजागर हमें करना पड़ेगा, जनता को समझाना पड़ेगा कि जो सरकार आपको स्थायी सरकार का सपना देकर सत्ता की लूट करती है पिछले 21 साल से, जो यहाँ पर अस्थिरता शासन में है, वो किस कारण से है, क्यों हो रही है, उसका तो हमें जनता को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम सबकी जवाबदेही जनता के प्रति है। ठीक है नवीन जी, देखिए जितनी प्रतिशत जानकारी मुझे राजनीति के उसके हिसाब से बताता हूँ, आपकी बड़ी उंगली जो है वो सीधे तौर पर राजनेताओं के ऊपर है, मंत्री के ऊपर है, बीजेपी के ऊपर है, आपकी छोटी उंगली जो है वो अधिकारियों के ऊपर है जो भ्रष्ट हैं। मैं आपसे सीधे तौर पर एक, उससे आप वाकिफ है कि नहीं है,
अगर एक सिपाही सुधर जाएगा, अगर एक थाने चौकी का छोटा सा सिपाही सुधर जाएगा तो अपने आप सारा सिस्टम सुधर जाएगा। आप सीधे अगर सोचेंगे कि मुख्यमंत्री को सुधार दूं, मंत्री को सुधार दूं, तो सिस्टम उतनी तेजी से नहीं सुधरेगा जितनी जल्दी एक छोटा सिपाही छोटा अधिकारी सुधर जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नवीन जी ये बताइएगा कि क्या कुछ आपको अभी तक क्या कुछ अपडेट मिला है, जिसने उन्हें रिश्वत ली थी, जो लोग इस पूरी कार्य में लिप्त थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सपोज है एक तरीके से, बताऊं आपको नवीन जी, कब से इस तरीके का काम चलता आ रहा होगा, कब से 25-25 हजार रुपए लेकर इस तरीके से लोग भर्ती किए जा रहे हैं और जो लोग इसमें क्वालिफाई कर सकते थे उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा एक्सपोज किया गया है, तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट अभी तक आपने लिया है, क्योंकि आप ही ने इसको एक्सपोज किया है। जी चौहान साहब आप सही बोल रहे हैं कि अगर आपने एक छोटे से ऑफिसर का उदाहरण दिया, जो सिपाही जो निम्न स्तर पर होता है प्रशासन के, उसमें आप उसको सुधारने की बात कर रहे हैं, अगर जो उसका अधिकारी है अगर वो सुधरता है, अधिकारी की मॉनिटरिंग ऊपर से होती है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। अगर अधिकारी भ्रष्ट होगा तो उसको कौन करेगा? ये इतनी बड़ी मिलीभगत किसके किससे हो रही है? बड़े अधिकारियों की और मंत्री की मिलीभगत से तो हो रही है, उसमें सिपाही क्या करेगा, उसमें छोटा अधिकारी क्या करेगा, उसमें सेक्टर ऑफिसर क्या कर सकता है? आप ये देखें कि जो भ्रष्टाचार होता है वो बड़े लेवल पर होता है, वो सरकार के लेवल पर हो रहा है, इससे सरकार को सुधरना होगा। सरकार की अगर इच्छा शक्ति है तो सारी लीकेज बंद हो सकती है, सारी चोरी बंद हो सकती है, जो हमने दिल्ली में किया और अगर आज ये काम दिल्ली में हो रहे हैं तो सरकार की इच्छा शक्ति पर हो रही है। कोई भी आदमी कंप्लेन मिलती है उस पर एक्शन क्यों नहीं होता है? आपने सोचना होगा, अगर आपको किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कंप्लेंट आ रही है तो उसको कोई जांच हो रही है, लेकिन किसी पर आंच नहीं आ रही, सारे साथ सामने पड़े हैं, फिर भी कोई फिर नहीं रहा है, कोई शराबी के पीछे नहीं जा रहा, कोई जेल के पीछे नहीं जा रहा, तो जंगल राज पूरा यहाँ पर चल रहा है। जी बिल्कुल नवीन जी, मानना है जी बिल्कुल, में सीधे तौर पर सरकारें जिम्मेदार रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के चाहे कांग्रेस की सरकारें हों, दोनों ही सरकारें हमेशा यहाँ पर जिम्मेदार रही। जी बिल्कुल नवीन जी, आपने विशल ब्लोअर बनने का काम किया जो कि शानदार काम है, हालांकि राजनीति से प्रेरित है। तो ये पूरा मामला था जहां पर सीएम फेस आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल साहब, उनको नौकरी मिल गई, हालांकि ये नौकरी का पूरा जो गेम था, ये रिश्वत लेना देना नौकरी पाना, ये पूरा एक ऑपरेशन नुमा पूरा खेल था जिसको आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था ताकि जो करप्शन चल रहा है उसको एक्सपोज किया जा सके। तो ये पूरा मामला हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली साहब मेरे साथ जुड़े भी हुए थे अभी, उन्हीं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से रिश्वत देने पर 25,000 की रिश्वत देने पर नौकरी हाथ में मिलती है और युवा जो इसके लिए यूमीन क्वालिफाई करते हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाती। तो ये जो पूरी की पूरी जो रिपोर्ट आपने देखी जहां पर आम आदमी पार्टी के जो सीएम फेस थे कर्नल अजय कोठियाल, उनको नौकरी देने का पूरा मामला था। इस मामले में अब प्रदेश प्रवक्ता जो है उन्होंने घेरने का काम किया है, उसके साथ ही उन्होंने बनाने का भी काम किया है कि किस तरीके से ये पूरा गेम जो है वो चल रहा है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी के भीतर से ही विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। दरअसल बीते दिनों बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ का अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हुए विवाद के बाद से पार्टी में खुलकर गुटबाजी सामने आ रही है। विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके विरोधी गुट इन दिनों दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, वजह पार्टी हाईकमान को मामले से अवगत कराना। विधायक काऊ तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं से मामले की शिकायत कर देहरादून वापस लौट भी आए हैं, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैंने अपनी पीड़ा को हाईकमान से अवगत करा दिया है, अगर न्याय नहीं मिला तो हमारा एक संगठन है जिसके साथ मिलकर आगे की रणनीति को तैयार किया जाएगा। वहीं विधायक के समर्थन में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी खुलकर सामने आ गए हैं। हरक ने साफ कहा कि अगर काऊ के खिलाफ साजिश हुई तो पार्टी को नुकसान होगा। आप सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, जिसके लिए सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी ने तो एक कदम आगे जाते हुए 65 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य स्थापित किया है, पर पार्टी लक्ष्य हासिल कर पाए इससे पहले ही पार्टी के नेताओं ने इसमें पलीता लगाना शुरू कर दिया। दरअसल रायपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में विधायक उमेश शर्मा काऊ का अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ विवाद हो गया था, जिसके बाद से विधायक काऊ खुलकर सामने आने लग गए हैं। उन्होंने भरे कार्यक्रम में पहले तो अपने ही कार्यकर्ताओं के गुट को औकात में रहने की चेतावनी दी,
इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं से विरोधी गुट की शिकायत भी की है। मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कोई नाराजगी की बात नहीं है और विधायक उमेश शर्मा काऊ से उनकी बात हो चुकी है। नहीं नहीं, कोई नाराजगी उनकी होगी तो उन्होंने बता दिया है, ऐसी कोई नाराजगी नहीं, मैंने उससे बात कर ली थी और हम लोग बैठ के उसको मामले को देखेंगे। अब जहां एक ओर मुख्यमंत्री कोई नाराजगी ना होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं विधायक उमेश शर्मा काऊ ने तो पार्टी को ही खुली चेतावनी दे दी है कि अगर हाईकमान से न्याय नहीं मिला तो वो अपने संगठन के साथ आगे की रणनीति बनाएंगे, जिसका मतलब साफ है कि अब पानी सिर के ऊपर से निकल गया है। वहीं इन सबके बीच कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी खुलकर विधायक काऊ के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने भी साफ कहा है कि अन्याय बिल्कुल नहीं सहेंगे, काऊ के खिलाफ साजिश हुई तो पार्टी को इसका नुकसान होगा। नहीं, बिल्कुल हम सब साथ हैं, देखिए चाहे काऊ भाई हो चाहे हम सब लोग साथ हैं और बहुत हमको अब राजनीतिक लालसा भी नहीं है, लेकिन अगर किसी की उपेक्षा होती है, किसी को अपमान किया जाता है तो हम सब लोग साथ हैं, काऊ भाई के साथ हैं बिल्कुल, कंधे से कंधा में। जब वो हमारे साथ उस बुरे दौर में, मेरे एक अनुरोध पर एक बार मैंने उनसे कहा कि भाई हमें कांग्रेस छोड़नी है और अब कांग्रेस में नहीं रहना है, उन्होंने मेरे एक अनुरोध को स्वीकार किया। आज ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि, या हमारे और साथियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ या किसी और के साथ भी कोई अन्याय हो तो हम आपस, हालांकि देखो हम भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में कांग्रेस छोड़कर कई नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसमें विधायक उमेश शर्मा काऊ और हरक सिंह रावत भी शामिल हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दोबारा इन नेताओं की कांग्रेस में घर वापसी हो सकती है। मामले में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी में नेताओं का मिलन नहीं हो पा रहा, जिसके चलते ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। हमारे पुराने मित्र हैं और हम अपने मित्रों से लगातार मिलते रहते हैं, हमें क्यों दुख नहीं हो रहा? हमें तो दुख है, अपनी नाराजगी के बाद नहीं, हमारी तो रोज मुलाकात होती है भाई, हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, तो मुलाकात तो होगी होगी ना, मुलाकात से। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और मंत्री कांग्रेस के हैं। हमारा ये कथन अब सतह पर आ रहा है और आप देखेंगे कि चुनाव आते आते ये उत्तराखंड की राजनीति का एक विकृत और भद्दा स्वरूप प्रस्तुत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ये बेमेल और अपवित्र समझौता था, जिसके दुष्परिणाम आज राज्य की जनता को वहन करने पड़ रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए सुभाष गौर की रिपोर्ट। वहीं बीते दिनों हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर एक और जहां कांग्रेस में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं सूबे में सत्तारूढ़ बीजेपी कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा को गुटों की यात्रा बताकर इसे फ्लॉप करा दे रही है। बता दें बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश खुलवे ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि बीते दिनों कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा निकली है वह परिवर्तन यात्रा नहीं बल्कि गुटों की यात्रा थी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता यात्रा में लोगों की भीड़ जुटाने के लिए गुटों में दिखाई दिए और यात्रा में सम्मिलित सभी लोग पैसे देकर जुटाई गई भीड़ थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रैली में जो भी लोग थे वह सभी बाहरी क्षेत्रों से बुलाए गए थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बरसाती मेंढक की तरह है जो चुनाव आते ही बाहर निकल पड़ती है। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस के झूठी बातों में आने वाली नहीं है, 2022 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस की लोकप्रियता को देखते हुए बौखला गई है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व विकास कार्य ना होने से जनता त्रस्त है। डबल इंजन वाली प्रदेश की बीजेपी सरकार आज लोगों को बेहतर चिकित्सा और शिक्षा देने के मामले में भी पूरी तरह से फेल है। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की करनी और कथनी को जान चुकी है, समझ चुकी है और जनता का मूड परिवर्तन का है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार 2022 में प्रदेश में बड़ा परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर से लेकर अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर अपनी कमेटियां बनाने में इस समय पूरी तरह से व्यस्त है और लगभग 90% हमारा कार्य हो गया है।
जनता में से बड़ा अच्छा संदेश मिल रहा है। जहाँ तक परिवर्तन यात्रा का सोचना है तो ये परिवर्तन यात्रा तो सिर्फ एक बरसाती मेंढक वाला काम है, जैसे बरसाती मेंढक सिर्फ बरसात में निकलता है, 5 महीने बाद चुनाव हैं तो यह लोग इस समय पर सड़क पर आकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कांग्रेस, आज स्थिति यह हो गई है कि कांग्रेस भी कोई राजनीतिक दल है, यह बताने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी का अनुमान हमेशा गलत रहा है। पिछली बार 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और यह कहा था कि हम सत्ता में लौट रहे हैं, सत्ता की क्या हालत हुई कि अपनी सीट नहीं बचा सके, उसी तरीके का झूठ वो इस बार भी बोल रहे हैं। लेकिन सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे है। आम आदमी पार्टी लगी है अपना, वो भी प्रयास कर रही है, राजनीतिक दल है, उसे प्रयास करना भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है, उस विचारधारा के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ तब भी जुड़े थे, अब भी जुड़े हैं। क्या 60 के पार अबकी बार जो है वो नारा साकार हो पाएगा? बिल्कुल, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी आश्चर्यजनक, एक समय हमने 272 को अपना लक्ष्य माना था 2014 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन हम 283 पर पहुंचे थे। इस बार हमारे लोग 60 से पार की बात कर रहे हैं और मुझे तो लगता है 60 से 65 भी हो सकता है। परिवर्तन यात्रा, कांग्रेस ने जो परिवर्तन यात्रा निकाली उसमें आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से अपार जनसमूह जो है राजभवन में पहुँचा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि भाई जनता ने जो है मन बना रखा है इस बार सरकार को बदलने का, क्योंकि देखिए आप इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में महंगाई कहाँ पहुँच गई है, सारी चीज़ें महंगी हो गई है। तेल के दाम देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, खाने वाले तेलों के देख लीजिए, दाल वगैरह सब्जी दाम देखिए, गैस सिलेंडर के आप दाम देख लीजिए। भाई जनता तो त्रस्त है ही, जनता जब त्रस्त होगी तो सरकार में बदलाव पक्का आएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि 2022 में जो है यहां पर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी वालों को अपने चश्मे का जो है नंबर बदलना चाहिए। उत्तराखंड प्रदेश में धनौल्टी विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रीतम पंवार को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर बीजेपी में उनका स्वागत किया है। वहीं सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में बीजेपी ने राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं निर्दलीय विधायक प्रीतम पंवार के बीजेपी ज्वाइन करने पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता ने उनका पार्टी में स्वागत करते हुए कहा है कि इससे बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले समय में और भी नेता बीजेपी को ज्वाइन करने का मन बना रहे हैं। तो उस कार्यक्रम की तस्वीरें हैं जहां पर निर्दलीय विधायक प्रीतम पंवार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिल्कुल, प्रीतम सिंह पंवार जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रीतम सिंह पंवार जी उत्तराखंड आंदोलन के बड़े नेता रहे हैं और काफी समय से हमारे प्रदेश की राजनीति में वो रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं सरकार में, और उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। वहीं हरिद्वार कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में विधानसभा निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी 2022 में विधानसभा चुनावों की तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया व चुनावी संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। 2022 में उत्तराखंड राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियाँ प्रारंभ कर दी हैं। उसी के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग से कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं और तत्क्रम में आज पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया था। जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उनसे उनको अवगत कराया गया है, उनके सुझाव भी दिए गए हैं। 2-3 उसमें इम्पोर्टेंट इशूज़ हैं। पहला तो वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस समय 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हमारे BLOs जो हैं वो एक एक घरों पर जाकर सत्यापन कर रहे हैं वोटर्स का। तो हमने ये सभी पॉलिटिकल पार्टी से कहा है कि आप लोग भी इसमें कोई अगर सूचना प्राप्त होती है कि कहीं पर कोई वोटर ऐसा रहा है पहले जो कि अब जिसकी मृत्यु हो चुकी है या वहाँ से जा चुका है, तो इसकी सूचना BLO को भी दें। BLO तो अपना कार्य कर ही रहा है और उसकी सूचना हमारे संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी दीजिए। इसके अतिरिक्त 1 नवंबर से जो 18 साल की उम्र के बच्चे हैं जो 1 जनवरी 2022 को 18 साल के पूरे होंगे उनको भी अगले चुनाव में वोट देने का अधिकार होगा, तो उसमें भी एक कैंपेन चलाए जाने की आवश्यकता है कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं 1 नवंबर से अपना नाम प्रपत्र 6 में अप्लाई करके निर्वाचक नामावली में जुड़वा सकते हैं और उन्हें भी मताधिकार प्राप्त होगा अगले वर्ष के चुनाव में।
उत्तराखंड के विख्यात चिपको आंदोलन के तर्ज पर ऋषिकेश में भी पेड़ को बचाने के लिए एक बुजुर्ग पेड़ से चिपक गए। यह नजारा देखकर प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में नेशनल हाईवे और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। देखा मैंने पंजाब सिंह क्षेत्र इंटर कॉलेज के बराबर में पेड़ कट चुका था और जिस पेड़ के पास मैं बैठा हूँ ये रस्से लेकर के यहाँ मजदूर बैठे हुए थे, तो मैंने इनसे निवेदन किया, मैंने कहा भाई साहब आ जाए एक दिन के लिए, आप रुक सकते हैं। पहले तो मैं नगर निगम गया, वहाँ कोई अधिकारी नहीं मिला, मुझे बताया गया कोई बैठक चल रही है। मेयर को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने होल्ड पर डाल दिया। SDM को मैंने फ़ोन किया, लग नहीं पा रहा था। किसी को भी फ़ोन करें कि पता लगा सारे लोग DM आए हुए हैं, उस मीटिंग में बैठे हैं। तो मैं यहाँ आया, मैंने इनसे निवेदन किया, मैंने कहा भाई साहब आपके अंदर भी आत्मा है, हमारा ही पानी है और वो पानी में ऑक्सीजन है, अगर वो निकल गई तो फट जाएगा हमारा शरीर, आप इसको एक दिन के लिए रुक जाइए। कहने लगे हम नहीं रुक सकते, मैंने कहा मैं खर्चा देने के लिए तैयार हूँ। वहीं आम आदमी पार्टी ने चारधाम यात्रा को खोलने की मांग को लेकर बद्रीनाथ धाम कूच किया है, जहां जब पांडुकेश्वर में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे थे तो पांडुकेश्वर में भारी पुलिस बल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बद्रीनाथ धाम जाने से रोका है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री व धर्माचार्य प्रमुख स्नेह पाल जी और उप जिलाधिकारी तुषार सैनी, भारत लोक शिक्षा परिषद रुद्रपुर चैप्टर के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल, महामंत्री महेश मित्तल ने रैली को विधिवत हरी झंडी दिखकर शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय सहमंत्री स्नेह पाल ने कहा कि कोविड महामारी से जागरूकता और आवश्यक उपायों से रोका जा सकता है। इसके एवज में हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। एकल परिवार और भारत शिक्षा परिषद संयुक्त रूप से जो है इस रैली को आयोजित कर रहा है और हम लोगों ने जन जागरण के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये टीकाकरण का आयोजन किया जा रहा है। एक रैली निकाली गई है एकल परिवार की तरफ से, इसका मेन उद्देश्य यही है कि सभी को जो है वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करें और जो भी हमारे क्षेत्र बच गए हैं वैक्सीनेशन से उनमें हमें हमारा लक्ष्य है कि उनको जल्दी से जल्दी 100% वैक्सीनेट किया जाए, इसी के संबंध में रैली निकाली गई है। दूसरा हिमालय बचाओ जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए भी लोगों को जागरूक करने के लिए कि पॉलिथीन से प्रदूषणकारी जो पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। चमोली की सीमांत नगरी जोशीमठ में लंबे समय से शराब के ठेके से मिल रही शिकायत और पालिका बाजार सहित अन्य जगहों पर होटलों में शराब पीने और हुड़दंगों के लेकर जब स्थानीय प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है, नशे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कुमकुम जोशी SDM जोशीमठ ने नगर के अंग्रेजी शराब के ठेके सहित कई रेस्टोरेंट में दबिश देकर आवश्यक जांच पड़ताल की है। तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।